नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है उन्नाव से जुड़ी प्रमुख खबरों का। उपजिलाधिकारी सदर ने बिना लाइसेंस व अनुमति के अवैध रूप से संचालित सरकारी गल्ले का व्यापार कर रहे गोदाम पर मारा छापा। उपजिलाधिकारी नम्रता सिंह के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी उत्तम तिवारी ने छापा मारकर अभिलेखों की जाँच की। अवैध व्यापारी नहीं प्रस्तुत कर सका एक भी अभिलेख। मौके से बड़ी मात्रा में मिला सरकारी राशन। एसडीएम सदर नम्रता सिंह ने सूचना मिलते ही उक्त गोदाम पर छापेमारी करते हुए कार्रवाई की। मौके पर सरकारी राशन मिलने पर गोदाम को किया गया सीज। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार भगवान नगर अंतर्गत ओसिया के कथित गल्ला व्यापारी जितेंद्र साहू का सागिर्द है मनोज कुमार साहू, जिसके अचलगंज थाना अंतर्गत दौलतपुर स्थित गोदाम में छापामारी कर सदर उप जिलाधिकारी नम्रता सिंह तथा उत्तम तिवारी ने बड़ी मात्रा में सरकारी गल्ले के गोदाम को सीज कराया। मौके पर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने पहुंचकर कार्रवाई भी की। सूत्रों के अनुसार कुख्यात गल्ला व्यापारी ओसियान निवासी जितेंद्र साहू भगवान नगर क्षेत्र में अपने सागिर्दों के माध्यम से सरकारी गल्ले को खरीद कर बिक्री के अवैध रूप को संचालित कर रहा है। उन्नाव से कुलदीप यादव की रिपोर्ट। मगरवारा पावर हाउस फर्जी रोस्टिंग की कटौती से जनता बेहाल। मगरवारा पावर हाउस संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली हेतु जहां रोस्टिंग का बहाना बनाकर केवल 6 से 7 घंटे ही दी जा रही है। बिजली रात बिरात कभी भी बिजली काट दी जाती है, कोई नियम संयम नहीं है। कटौती का योगी सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते भ्रष्ट कर्मचारी सरकार के आदेशों के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं दी जा रही 18 घंटे संपूर्ण बिजली। बिना किसी फॉल्ट के रोस्टिंग के नाम पर हो रही कटौती। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय सचिव पूर्व सांसद अन्नू टंडन मिली बाढ़ पीड़ित परिवारों से। उन्नाव से देखिए कुलदीप यादव की रिपोर्ट। जहां पर सपा राष्ट्रीय सचिव पूर्व सांसद अन्नू टंडन ने आज गंज मुरादाबाद बांगरमऊ फतेहपुर चौरासी सफीपुर कटरी क्षेत्र के बाढ़ पीड़ित परिवारों से मिलकर उनकी समस्या को समझा व ग्रामीणों की कष्ट की इस घड़ी में हर संभव सहायता का कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया। बाढ़ की दुखद स्थिति से गुजर रहे ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से अन्नू टंडन को अवगत कराया तथा दुख की इस घड़ी में मदद के साथ खड़े रहने के लिए क्षेत्रीय जनता ने अन्नू टंडन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उच्च सदन में बैठे हुए सत्ताभोगी तो नहीं दिखे, किंतु पूर्व सांसद अन्नू टंडन ने दुख की इस घड़ी में साथ खड़े रहकर जनसेवा की मिसाल कायम की है। आरती के बाद सैकड़ों शिव भक्तों के साथ गौरीशंकर धाम सेना ने निकाली पदयात्रा। उन्नाव नगर पंचायत रसूलाबाद में स्थित गौरीशंकर धाम के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बाजे गाजे के साथ निकाली पदयात्रा। बताते चले कि यह यात्रा कानपुर स्थित नगर पंचायत बिठूर के ब्रह्मावर्त से गंगा जल भरकर उन्नाव नगर पंचायत रसूलाबाद में स्थित गौरीशंकर धाम लाकर गौरीशंकर महादेव का जल अभिषेक किया जाता है। इस 30 किलोमीटर की यात्रा में क्षेत्रीय व नगर पंचायत के सैकड़ों शिव भक्तों की उपस्थिति रही। नगर पंचायत मोरावा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। देखिए उन्नाव से कुलदीप यादव की रिपोर्ट। जहां पर उन्नाव नगर पंचायत मोरावा में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। 2 सफाई कर्मियों को काम करने से निकाला जाएगा। नगर पंचायत अध्यक्ष के इस तानाशाही पूर्ण रवैये से आक्रोशित सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। कस्बे में सफाई कार्य ठप पड़ गया है। सफाई कर्मचारी ने नगर पंचायत अध्यक्ष से बात करने से इनकार कर दिया है। वहीं उप जिलाधिकारी पूर्वा और क्षेत्रीय विधायक से बात करेंगे ये लोग। उन्नाव की प्रमुख खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों को लिए देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।